આ તરફ ભાજપના અનેક નેતાઓ જેમાં કેન્દ્રીય મંત્રીઓથી લઈને સાંસદો ગુજરાતમાં પ્રચારમાં આવી ચૂક્યા છે, ત્યારે સાંસદ રવિ કિશન અરવલ્લીમાં પ્રચાર અર્થે છે, જ્યાં તેમણે કોંગ્રેસ અને આપ પર આકરા પ્રહાર કર્યા. કહ્યું કે કોંગ્રેસ અને આપ ડિપોઝિટ ગુમાવશે, જનતા તેમને મત નહીં આપે. સાથે જ તેમણે કહ્યું કે હું ગૌરવ અનુભવું છું કે આદિવાસી વિસ્તારમાં પ્રચારની તક મળી. આ માટે પ્રધાનમંત્રીનો પણ આભાર વ્યક્ત કર્યો. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन जी अरावली डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे हैं. यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है पीसी ब्रांडा, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं. हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज 18 के साथ. सर, खास करके आप यहाँ पे आए, ट्राइबल एरिया है पूरा, कैसा माहौल आपको बीजेपी का लग रहा है गुजरात में? आप इतने दिनों से आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? मुझे, मैं धन्यवाद दूंगा सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, मेरे संगठन को, कि मुझे ट्राइबल एरिया में भेजा. ये वो ट्राइबल एरिया जहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री जी इसी आदिवासी इलाके से आज आदिवासी महिला को लेके आज भारत के राष्ट्रपति बना दिए. तो आप आदिवासियों के लिए इतना बड़ा सम्मान, विश्व के आदिवासियों के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि एक आदिवासी महिला आज इस प्रथम महिला है देश की. सोचिए, तो ये मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच है. जो पंक्ति में सबसे आखिर में खड़ा है उसको मेरे प्रधानमंत्री उठाते हैं. गरीब को, जिसको समाज ने दबाया है, जिसको हमेशा कुचला गया है, आज वो इलाके में मुझे भेजा गया. यहाँ भोजपुरिया लोग नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी को विश्वास है कि रवि किशन मेरी बातों को रखेंगे. मैं उनका सैनिक हूँ, मेरे प्रधानमंत्री का, मैं उनका बनाया हुआ सांसद हूँ और मैं यहाँ आया हूँ. मैं सभी देवतुल जनता को वहीं प्रणाम करूँ छू. हूँ सांसद रवि किशन, गोरखपुर से आए हुए छू बताने आशीर्वाद माटे. कांग्रेस को कहा देख रहे हैं, बहुत ही जो ये जो ग्रामीण एरिया है, कहीं कहीं पे कांग्रेस सीटें आ जाती है यहाँ पे, तो उसके बारे में राहुल गांधी अब आए हैं प्रचार में, आप कहाँ देख रहे हैं कांग्रेस को इस बार? नहीं नहीं, देखिए राहुल जी ऐसा है, घूमने के लिए आए थे टी शर्ट पहन के, ऐसा कुछ नहीं हुआ है उन्होंने कि बहुत दिन से ऐसा कुछ नहीं, उनको बहुत वॉक कर रहे थे, थोड़ा सा उनको हेलीकॉप्टर में बैठना था, वो आए, बैठ के अपना क्या बोलना था उनको, क्या बोले उनको भी नहीं मालूम पड़ा, क्या बोले हम लोग को भी नहीं मालूम पड़ा, खुद को भी नहीं मालूम पड़ा. तो रेवा मारे वो छोड़ा, छोड़ दो. और बाकी मैं, इस वक्त कांग्रेस ने अपनी हार मान ली, उन्होंने खुद अपने आप को, उनका कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा है, उन्होंने अपने आप को मान लिया, हम लोग गुजरात बुरी तरह हार गए. आप थोड़ा फड़फड़ा रहा है, आपकी भी सब लोगों की जमानत जनता यहाँ की जब्त कर रही है. तो ये थे सांसद रवि किशन जी, उन्होंने बताया कि कांग्रेस की जमानत जब्त होने वाली है और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में खुद को संभाल नहीं पाती वो गुजरात में सत्ता नहीं बना पाएगी. हार्दिक पटेल, न्यूज 18, गुजराती अरावली.